दुनिया के कई देशों में कहर बरपा चुके मंकी पॉक्स के दो मरीज भारत में मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन की पीड़ित देश से हाल ही में यात्रा करने वाले व्यक्ति की पहचान इस बीमारी के मामले के रूप में की गई। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मरीज को एक अस्पताल में अलग कर दिया गया है और वर्तमान में उसकी हालत स्थिर है। मंत्रालय ने कहा है कि आदमी से नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसकी पुष्टि हो चुकी है कि मरीज एमपॉक्स से पीड़ित है। ऐसे में मंकीपॉक्स को लेकर के देश में डर भी बना हुआ है, तो आप तक इस बीमारी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो कि मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है। ये जो वायरस है वो दरअसल ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स की एक प्रजाति का नाम है, एक प्रजाति है। एमपॉक्स को पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था और इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी। तब बंदरों में पॉक्स जैसी बीमारी का प्रकोप हुआ था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इस बीमारी की पहचान कैसे की जाए, यानी इस वायरस से संक्रमित होने के बाद मरीजों में सबसे पहले किस तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं। एमपॉक्स से संक्रमित लोगों को अक्सर शरीर पर दाने होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पॉक्स में होता है, जो हाथ, पैर, छाती, चेहरे या फिर मुंह या फिर जननांगों के आसपास भी हो सकता है। ये दाने बाद में फुंसी और फिर ठीक होने से पहले जो है पपड़ी बनते हैं। इसके अन्य लक्षणों में बुखार होता है, सिरदर्द है, मांसपेशियों में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। वायरस से लड़ने की कोशिश करते समय लिम्फ नोड्स भी सूज सकते हैं और दुर्लभ मामलों में ये जो वायरस है वो जानलेवा हो सकता है। इससे संक्रमित व्यक्ति शुरुआती लक्षण में दाने निकलने और फिर ठीक होने तक कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस बीमारी से बचाव के लिए किस किस तरह के कदम उठाने जरूरी है। लक्षण आने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति में दूसरे को संक्रमित होने से बचाव के लिए खुद को घर पर आप आइसोलेट करके रखें। नियमित तौर से साबुन और पानी से हाथ आपको धोना है। दाने ना फोड़ने की जगह भी इसको ना फोड़े आप, इसकी सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से दाने शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकते हैं और घाव को संक्रमित कर सकता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के मुताबिक एमपॉक्स के लक्षण वायरस के संपर्क में आने से 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होगा। एमपॉक्स के संपर्क में आने और लक्षण दिखने का समय 3 से 17 दिन है। इस दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन इस समय के पूरा होने के बाद वायरस का असर दिखना शुरू हो जाता है।